विकास के बारे में, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भाजपा सत्ता में आई है तो औद्योगिक विकास को लेकर लगातार बात करती रही है, और यूं कहें कि एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य फोकस रहा है निवेश पर और औद्योगिक विकास पर, तो गलत नहीं होगा। और जाहिर है कि जब विकास की डगर जाती है तो औद्योगिक विकास से होकर जाती है, और इस सेशन में हम बात इसी को लेकर करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। हमारे साथ इस पैनल में कौन कौन से मेहमान होंगे उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। तो इस पैनल में हमारे साथ में जुड़ेंगे अमित गुप्ता, प्रेसिडेंट रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। अमित गुप्ता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमित गुप्ता जी का। सुभाष राणा वाइस प्रेसिडेंट हैं रेवाड़ी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के। सुभाष राणा जी, प्लीज आप स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुभाष राणा जी का। अजय कांठीवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रेवाड़ी से। अजय जी, प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अजय जी का। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। Over to you, Ayush. तो धन्यवाद ऋतु, और आप सबसे महत्वपूर्ण सत्र की ओर बढ़ेंगे, चूंकि हम लोगों ने रेवाड़ी के और खासतौर से साउथ हरियाणा को लेकर के, इसके डेवलपमेंट को लेकर, इसके विकास को लेकर के लगातार चर्चा की है। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब तक उद्योग लगाने का सही माहौल ना हो, निवेश का सही माहौल ना हो और उद्योगीकरण अगर ना हो, तो सही मायने में किसी भी इलाके का विकास नहीं हो सकता है। तो उद्योगों के सामने क्या चुनौती हैं और किस तरीके से इस पूरे, अगर साउथ हरियाणा की बात करें या रेवाड़ी के आसपास की हम लोग बात करें, तो ये उद्योग किस तरीके से फल फूल रहे हैं या भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, इस सेशन में इसी पर चर्चा करते हैं। अमित जी, आपके ही पास सबसे पहले आऊंगा। अगर उद्योगों के लिहाज से हम लोग देखना चाहें और खासतौर से रेवाड़ी या साउथ हरियाणा को हम लोग देखें, तो कैसे देखते हैं उद्योग के लिए, क्या माहौल है अभी यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का अपने, मैं दोहरी भूमिका में हूँ, केएलपी कॉलेज का भी मैं प्रधान हूँ, तो आप केएलपी कॉलेज आए तो और इस मंच को संजोया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी मेंबर्स की तरफ से भी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया उद्योगों की चर्चा हेतु, तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब आपके प्रश्न के ऊपर आता हूँ। रेवाड़ी, अभी तक मैं चर्चाएं काफ़ी सुन रहा था, आपको मैं बता दूँ, रेवाड़ी जो है पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्वविख्यात है, और यहाँ का मेटल उद्योग किसी, मतलब लाइक स्टडी का मोहताज नहीं रहा, यहाँ का मेटलर्जी जो है वो विश्वविख्यात है। यह है कि क्योंकि खुद हाथ से काम करके लोगों ने ऐसे अलॉय तैयार किए हैं जिसकी परिकल्पना अमेरिका भी नहीं कर सकता था, या यूरोप के अंदर भी उसकी परिकल्पना नहीं थी। जो मेटलर्जिकल एडवांसमेंट है उस रेवाड़ी नगरी की वजह से है, और ये पीतल नगरी के रूप में हमारे सामने बहुत पुराने समय से, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है ये कार्यक्रम। और रेवाड़ी, बावल और धारवाड़ा तीन इंडस्ट्रियल जोन्स हैं अपने इस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तीनों के अलग अलग स्वरूप हैं। मेटल इंडस्ट्री, अभी क्योंकि बावल नया एरिया डेवलप हो रहा है और काफ़ी प्रगति में, बावल के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ 9-10 सालों के अंदर, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बट हमारा, क्योंकि रेवाड़ी टाउन जब आबादी दय हुआ तो हमारे को सरकारों ने उस समय 1980 में एक इंडस्ट्रियल एरिया अलॉट किया, जो कि नज़दीक ही है, दिल्ली रोड के ऊपर है, सेक्टर 11 है। और हमारे को, भाई साहब सर थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया एक अलॉट किया गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है पूरे हरियाणा का। तो उस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्यों अलॉट किया गया था, सरकार चाहती थी कि यह जो मेटल उद्योग है, जो क्लस्टर फॉर्मेशन है, जो हिंदुस्तान का एक नाम है, रेवाड़ी की वजह से, मेटल की वजह से पूरे विश्व में नाम है,
उस मेटल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड रूप के अंदर, अभी जैसे स्कैटर्ड रूप में थी 1980 में, इंडस्ट्री तो 1942 से है रेवाड़ी के अंदर मेटल से जो रिलेटेड है, हथकरघा उद्योग भी है और हाथ से बनाए हुए बर्तन भी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूटेंसिल्स भी है, जाली उद्योग भी है जो मेटल से रिलेटेड है, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो घरों में जो ये इंडस्ट्रीज छोटे कोटेज स्केल के ऊपर, एमएसएमई स्केल्स के ऊपर लगी हुई थी, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया अलॉट किया था। सरकार ने बहुत कोशिश किया कि इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लोग बाग आए, अपना इंटरेस्ट शो करें। बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो भी किया, बहुत इंटरप्रेन्योर्स, भरोसा ये दिया गया था कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये 1980 की बात है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, पर इंडस्ट्रियल एरिया का उद्धार नहीं हुआ। पता नहीं क्या श्राप लगा हुआ है उस इंडस्ट्रियल एरिया में। आज तक वहां पर पानी पीने योग्य पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, गड्ढे हैं। ये हालात मेरे रेवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउन की है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है। बावल का बड़ा अच्छा है, इस समय प्रगतिशील है, बहुत बढ़िया काम हुए हैं। अब धारवेड़ा में भी कुछ काम चालू हुआ है, बट मैं तो सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि रेवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउन जो सेक्टर 11 में है, आपने मनोहर लाल जी खट्टर जब बने तो उन्होंने ग्रीवियंस कमेटी की एक मीटिंग ली थी, रेवाड़ी आए थे तो सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद थे। तो उनके भरोसे के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम इस चीज को देखेंगे। तो बजट के अंदर प्रोविजनिंग भी की गई, HSIDC को एक स्पेशल सिंगल विंडो सिस्टम के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, तो वो किया भी गया। पर क्योंकि वो पॉलिसी बन के ही रह गई, वो बावल तक चली गई, रेवाड़ी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के इंडस्ट्रीज जो है, सरकार से निरंतर इस बारे में बात कर रही है। विधायक जी भी हमारे समक्ष मौजूद हैं, ये भी हमारी बात को रखते हैं। बनवारी लाल जी से भी पिछली दफा बातचीत हुई थी, उन्होंने भी बात को भी रखा, सीएम साहब तक है। तो कारण क्या है, आपको क्या लगता है, मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है या राजनीति है इसमें, या एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में दिक्कत है? इसमें, क्योंकि पॉलिसी बनी उसके बाद इसमें ये है कि जो ये प्लॉट्स जो हैं हुडा ने अलॉट किए थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उसके बाद क्योंकि हरियाणा अर्बन डेवलप इसने कोई डेवलपमेंट तो किया ही नहीं, प्लॉट को रिज्यूम करने के नोटिस सर्व कर दिए कि आप जो है आपने लेट कंस्ट्रक्शन किया है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने कोई पजेशन नहीं दिया और आप प्लॉट्स को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद अपील्स वगैरह हुई, डिफरेंट फोरम्स में लिटिगेशन पेंडिंग हुए, फिर लोगों को फोर्स करा गया कि कोर्ट का सहारा ले, कोर्ट ने भी काफी केसेस जिता दिए। तो इस तरीके से मामले जो है अधर में है, सरकार का पॉलिसी मेकिंग जो है वो इस डायरेक्शन में काम करता है, बट उसकी सुनवाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। तो मैं आग्रह हमेशा से करता हुआ हूँ, आज भी करूंगा आपके माध्यम से, कि इसको जल्दी से जल्दी इस निपटारे को। बिल्कुल, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप आग्रह कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कम से कम उसके बारे में जरूर सोचा जाएगा। सुभाष राणा जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज, जो कि हम लोग देखते हैं, उद्योग अगर नहीं होगा या निवेश का माहौल नहीं होगा या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी इलाके का विकास नहीं कर सकते हैं। जो बात अभी सर ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्या माहौल है अभी यहाँ पर निवेश का? देखो, गुप्ता जी ने सारी चीजें वैसे कंसीडर, सारी समस्याएं जो आपके सामने बताई है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बिजली, पानी, रोड्स, तीन तीन चारों चीजों का बुरा हाल है आज के टाइम पे। जगह जगह पे खड्डे हुए पड़े हैं, थोड़ी सी बारिश होती है, इंडस्ट्री को चलाना हमारे लिए बहुत महाभारत हो जाता है। कैसे इंडस्ट्री चलेगी, कैसे हमारे गुड्स की सप्लाई होगी, लाइनें रुक रही हैं या हमारे कर्मचारी टाइम से ऑफिस नहीं पहुँच रहे हैं। इस रोड, आप धावड़ा इंडस्ट्री एरिया में देख लो, एंट्री पॉइंट पर बहुत बुरा हाल है। ऐसे आपके बावल इंडस्ट्री एरिया में रोड्स का बुरा हाल है। रही पानी की समस्या,
ना पानी के लिए ड्रेन, एक तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री एरिया में, इवन हमारे धारड़ा इंडस्ट्री एरिया में तो सीवरेज लाइन ही नहीं है, कैसे इंडस्ट्रियां काम करेंगी? और जहां पे सीवरेज लाइन है भी आपके बावल इंडस्ट्री एरिया में, वहां पे एसटीपी प्लांट लगा हुआ, वो सारा बंद पड़ा हुआ है, उसका पानी जो है विदाउट ट्रीटमेंट के खेतों में फैलाया जा रहा है, इंडस्ट्री के इसमें फैलाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में काम करना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी बड़ी स्मेल होती है। तो उसके ऊपर एसएसआईडीसी को कई बार हमने लेटर भी दिए लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, इंडस्ट्री को, यदि इंडस्ट्री आपने चलानी है और इंडस्ट्री यहाँ से प्लाइंग कर रही है क्यों कर रही है, इसके रीज़न है, इसके यही रीज़न है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्री को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे लेबर कोड की, सरकार ने हमें दे दिया था कि आपके लेबर कोड जल्दी यहाँ पे खुलेगा, लेकिन अभी तक उसका लेबर कोड का कोई सुनवाई नहीं, कोई खुला ही नहीं अभी तक। और मैं पीएफ ऑफिस जो हमें गुड़गांव तक जाना पड़ता है, हमारे कर्मचारी वहाँ परेशान होते हैं इतनी दूर जाके, तो पीएफ ऑफिस भी, सब ऑफिस भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर खुले तो अच्छा रहेगा, ये हमारी जरूरतें हैं। और रही एमएसएमई की बात, तो इनको सरकार कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इनको कोई इंसेंटिव मिले या ऋण या उनको बिजली में कोई रियायत दी जाए ताकि छोटी इंडस्ट्री भी साथ में ग्रो हो, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अब काटीवाल जी मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल बात है थोड़ा सा, और अगर सरकार पॉलिसी बना रही है एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है, और आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप तो सारे पूरे हरियाणा के विकास के बारे में बात करते हैं, पिछली सरकारों पर आरोप लगाते थे कि विकास एक जगह तक सीमित था, तो अब इस एरिया में या रेवाड़ी या इसके आसपास के क्षेत्र में ये समस्या क्यों बरकरार है, सरकार उन चीजों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रही, कमी कहां पर है? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। इंडिया न्यूज की तरफ से जो आप लोगों ने आज मुझे बोलने का मौका दिया है इस मंच में, मैं आप लोगों का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बावल में इंडस्ट्री एरिया में जैसे सड़कों का बुरा हाल है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानता। बावल में इस टाइम पे बहुत विकास कार्य हो रहे हैं, सबको पता है। बावल में इस टाइम पे आप देखोगे तो सेक्टर 3 की अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री एरिया की, तो काफी समय से अब आप देखोगे तो नए रोड लगभग बना दिए गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में भी पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप अगर पिछली 8 साल पहले की बात करें, जब हमारी सरकार नहीं थी, उस मुकाम पे आप देखोगे तो बावल का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हरियाणा सरकार ने वहाँ पर बहुत विकसित कार्य करवाए हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के गिनवाने लगूँ तो मेरे ख्याल से पूरा दिन निकल जाए, इतने कार्य हमने किए हैं। और अगर उसमें से जैसे देखा जाए तो बावल में अगर मैं बात करूँ तो अभी स्वास्थ्य विभाग में बात करूँ तो बावल में लेवल 4 की ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया है, 100 बिस्तर के ESI अस्पताल बावल की स्वीकृति, जिसका निर्माण आरंभ हो चुका है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाड़ावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, पशु अस्पताल मनेठी में, पारला में, खिजोरी में, नंगली में, पसापुर के भवन का निर्माण भी कार्य पूर्ण हो गया है हमारी तरफ से। यहाँ पे एम्स भूमि अधिग्रहण की भी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण जल्द ही निर्माण के साथ पूरी कर ली जाएगी। ये भी बस स्टैंड बना दिया गया है बावल के अंदर, बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाया गया है, आप देखोगे वहां पे बिल्कुल साफ सफाई से अच्छा डेवलप कर रखा है। कृषि महाविद्यालय की स्थापना भी हुई है, गर्ल्स कॉलेज भी बनवा दिया गया है, सचिवालय भी बना दिया गया है हमारे वहाँ। ठीक है, लेकिन पहले विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक चूंकि यहाँ पे उद्योगों की बात हुई है और आप लोग अगर उद्योगों को देख रहे हैं, क्योंकि सर ने भी कहा मंत्रियों के सामने भी और मुख्यमंत्री भी खुद अगर आश्वासन देते हैं कि हम इन समस्याओं को देखेंगे, तो वो समस्याएं आखिर सुलझ क्यों नहीं रही या ग्राउंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री या यहाँ के प्रभारी मंत्री भी कहते हैं कि समस्याओं का निपटारा होना चाहिए, उद्योगों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योग वाले जो फेज है उसमें क्यों नहीं आप लोग उस तरीके से काम कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो ये शिकायतें क्यों है फिर यहाँ पर? नहीं, मैं देखो ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा सा आप देखेंगे पहले जो सरकारों ने इतना काम बिगाड़ रखा था, इतनी अर्थव्यवस्थाएं थी, आज हमारी सरकार
भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के हर जगह आप देखोगे इंडस्ट्री बहुत आई है। आप पिछले 8 सालों में अगर देखोगे तो बहुत ऐसे ऐसे प्लांट लगे, बहुत सुंदर और अच्छे अच्छे प्लांट्स भी आए, ऐसी बात नहीं है नहीं आए वहां पे। और काम में थोड़ा सा मैं मानता हूँ समय लग रहा है, पर हम भारतीय जनता पार्टी जो काम कहती है वो पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि हम झूठा विश्वास दिलाते हैं जनता को या वैसे बोल रहे हैं, जो काम हमने बोले हैं, जो जो भी किसी चीज का भी हमने वादा किया है वो सब पूरा हो रहा है। उसमें थोड़ा समय लग रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है अमित जी, अब दिक्कत असल में कहां पर है? एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो क्या अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं या जो पॉलिसी बन रही है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, दिक्कत क्यों हो रही है? टाइम टू टाइम हमारे ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग होती रहती थी। सीएम आदरणीय सीएम साहब ने ये डायरेक्ट हमने रिक्वेस्ट किया था कि हर महीने इंडस्ट्रियल एक ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग आप जरूर प्लान करिए और अपने अधिकारियों को ऐसी डायरेक्शन दीजिए। तो पिछले कुछ समय तक, कुछ एक देश साल तक तो ये निरंतर रूप में कायम रही अंडर द वर्दी चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी। ये मीटिंग्स होती रही और उस मीटिंग्स के जरिए जो एक पोर्टल भी बना रखा है सरकार ने ग्रीवियंस को एड्रेस करने के, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करते थे अपनी ग्रीवियंस और उसका निपटारा भी होता था। अब वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ना रहकर वो एक कॉमन एजेंडा के रूप में एक ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें आम जन नागरिक भी पार्टिसिपेंट होता है। तो इनफैक्ट उसमें हमार को इंडस्ट्री को अपनी बात रखने का पूर्ण समय नहीं मिलता, तो कहीं पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ हम जा रही है ये सरकार, कि बना दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब वो क्या कारण है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल चीजों को पूर्णतया से समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, सरकार की डायरेक्शन क्या है, उससे इंडस्ट्री सफर कर रही है। खास तौर से मैं तो अपने रिवाड़ी इंडस्ट्रीज की बात करूं, ये मेटल उद्योग जिसने हरियाणा का पूरा रिवाड़ी की बात करूं कि रिवाड़ी का जो रेवेन्यू है वो पूरे हरियाणा का चौथे नंबर पर रेवेन्यू है, मतलब सारी डिस्ट्रिक्ट को अगर हम मिलाएं तो चौथे नंबर पर रेवेन्यू जनरेशन रिवाड़ी से होता है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर बावल की तरफ हमारे को सुविधाएं दी हैं सरकार ने और बड़ी अच्छी तरीके से दी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, बट मूलभूत सुविधाओं का अब भी अभाव है। मूलभूत सुविधाओं का मतलब है बेसिक एमिनिटीज क्या है कि सीवेज, वो प्रॉपर सीवरेज नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, बिजली की आपूर्ति नहीं है और रोड्स नहीं है। अगर कोई माल भाड़ा या कोई ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है और माल को लोड करता है तो अगर किसी और बेटर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ हम बताएं आपको तो वहां पर वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से खर्चा लेता है अपना। अगर हम उसको अपने इंडस्ट्रियल एरिया में यहां बुला लेते हैं तो 4 रुपए पर केजी के हिसाब से अपना खर्चा लेता है कि जी यहां तो मेरा टम्पू पंचर हो जाएगा, यहां मेरा ट्रक ये गड्ढे में चला जाएगा। तो इस टाइप की समस्याएं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं। या तो हमारे सरकार ये सोच रही है कि भाई कोई बात नहीं, छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी तो कोई कुछ नहीं कर, लेकिन इसकी सुध लेनी पड़ेगी। यहां इंडस्ट्री के पास बहुत पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट को भी, मतलब लाइक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट यहां से हो सकता है मेटल का, इतनी जबरदस्त मेटलर्जी है। बट उसको पिछली सरकारों ने क्लस्टर फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी, इस सरकार ने भी क्लस्टर फॉर्मेशन के बारे में बात की है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात की है अपने बजट के अंदर, पर उसको धरातल पर लाने के लिए और उसको सक्सेस करने के लिए हमार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो यहां से इंडस्ट्री का पलायन निश्चित है। इंडस्ट्री के पलायन या तो वो पास में राजस्थान है,
उस तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक तो लैंड बहुत सस्ती है, दूसरा बिजली की आपूर्ति पूरी है, तीसरा लेबर कॉस्ट कम है, चौथा गैस के प्राइसेस कम है। तो ये चार जो फैक्टर्स है और लेबर लॉज, अगर सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश का लेबर लॉ को फॉलो कर सकती है, जो कि इंडस्ट्री कंप्लायंट है, बैलेंस्ड लेबर लॉ है, ये नहीं कि एक तरफा लेबर लॉ है। और अब दूसरी मैं बात बताऊं आपको कि हमारे अंदर कमियां नहीं है, सरकार अगर कॉन्टिन्यूस संवाद में रहे तो हमारी प्रॉब्लम सरकार के पास पहुंचे। तो हमने पहले भी आग्रह किया था, सीएम साहब ने माना था, तो अगर आज दोबारा भी आपके मंच के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हम इकोसिस्टम के साथ रहकर काम करना चाहते हैं, हम पॉल्यूशन फ्री कम मिनिमाइज करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बहुत अवेयर्ड है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें या हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात करें, हमारा क्योंकि इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है NCR के अंदर आ गया है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, क्या हमारी गलती है कि हम नेशनल कैपिटल रीजन में आ गए? क्या हमारे साथ ऐसा भेदभाव होगा कि हम जनरेटर नहीं चला सकते? क्या बिजली की आपूर्ति सरकार पूरी कर पाएगी? अगर कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम ऐसे होते हैं जहां पर कॉन्टिन्यूस बिजली की जरूरत होती है, सरकार द्वारा ही जब बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं थी तो सरकार ने कहा कि जेनसेट लगा लीजिए, उसके ऊपर सब्सिडी दी, आज सरकार कह रही है कि भाई जेनसेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, हम बंद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका सोल्यूशन तो दीजिए। बिल्कुल नहीं, और मैं बिजली की आपूर्ति पूरी, तो अगर मान लो बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं है उस दो घंटे के लिए, तो हमारे को जनरेटर चलाने की परमिशन दीजिए। चलिए अमित जी, अब देखिए समय की थोड़ी सी बाध्यता है मेरे पास, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो बात रखी हमारे माध्यम से जरूर सीएम तक और प्रदेश सरकार तक पहुंचेगी और समस्या का समाधान होगा, इस क्षेत्र में विकास और तेजी से बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए और इसमें चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज साउथ हरियाणा के मंच में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, होगी फिर से आपसे मुलाकात किसी और मंच के माध्यम से हरियाणा की तमाम समस्याओं के साथ। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।